नमन करते हुए मौके घाट पर रन करते हुए हल्के के कदमों से बहुत ही दोनों टीमें मजबूत हुई दिख रही है। देखते हैं क्या होता है आखिरी निर्णय कुछ क्षणों के बाद खुद प्रदर्शित होगा। काफी लंबे कद के खिलाड़ी संदीप पहले ही अपना तजुर्बा दिखा चुके हैं, बार बार अपने टीम के लिए पॉइंट ला रहे थे। अगर इनको रोकना है तो शायद रामपुर को इनको टैकल करना होगा, क्या उसमें कामयाब हो पाते हैं देखना आगे बहुत ही कठिन है। और देखते हैं क्या कर पाती है अपने टीम के लिए। दोनों टीमें काफी मजबूत दिख रही है, शायद संदीप को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक बार फिर रामपुर के लंबे कद के खिलाड़ी काफी हुस्ट पुस्ट खिलाड़ी दिख रहे हैं, क्या अपने टीम के लिए कोई पॉइंट ला पाएंगे, खाता खोल पाएंगे देखते हैं। और शायद छोटे कद के खिलाड़ी शायद रामपुर के गढ़ में गए तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्या टीम को अपने पॉइंट के एक बार फिर ला पाते हैं या फिर वापस वैसे खाली हाथ लौटते हैं। शायद खाली हाथ न लौटे और मऊ का एक पॉइंट और रामपुर को अभी खाता खोलना बाकी है। एक बार फिर लंबे कद के खिलाड़ी थोड़ा सा रेफरी वाले साइड में क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। एक बार फिर लंबे कद के खिलाड़ी संदीप, मैं जैसे ही बार बार मैं पहले ही कह चुका हूँ ये लंबे कद के खिलाड़ी और रनर है और अपने टीम के लिए बार बार पॉइंट ला रहे हैं। एक बार देखते हैं क्या कर पाते हैं, पॉइंट लेकर जा पाते हैं या नहीं। दूसरी बार इतना रनअप है और शायद रामपुर के भी खिलाड़ी नहीं मुस्तैद है, नजर बढ़ाए हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, शायद ऐसा ही दिख रहा है। और दोनों तरफ से जोश नहीं बराबर दिख रहा है, शायद संदीप क्या पॉइंट ले पाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से शायद संदीप समझ नहीं पाए और अचानक रामपुर के खिलाड़ियों ने टैकल कर लिया, बहुत ही शानदार टैकल किया है लंबे कद के खिलाड़ी को। एक बार फिर सभी ने रन करते हुए मऊ के ग्राउंड पर बाहर बाहर ही शायद उनको भी डर है कि मैं टैकल ना कर जाऊं, ऐसा डर सबको सताता है क्योंकि यह हार और जीत की कठिन झड़ चल रहा है। और क्या पॉइंट लेना है और शानदार उन्होंने पॉइंट लाया है और एक तरफ बढ़ता हुआ इसको रामपुर का दो पॉइंट और मऊ का एक और बहुत ही शानदार तरीके से रेफरी वाले बताएंगे किसको कितना पॉइंट गया, किसको नुकसान और किसको फायदा हुआ। शायद एक पॉइंट का फायदा हुआ रामपुर के खिलाड़ियों का, बढ़ता हुआ स्कोर 3 पॉइंट। शायद रामपुर के खिलाड़ियों ने टैकल करना अच्छा सीखा है और उन्होंने बार बार लंबे लंबे कद के खिलाड़ियों को टैकल किया रखा है, शायद मुझे लगता है उनमें जोश जुनून और शानदार जबरदस्त उनमें तजुर्बा भी दिख रहा है। एक बार फिर सन्नी अपने टीम के लिए रन अप करते हुए मौके ग्राउंड पर क्या पॉइंट ला पाते हैं या नहीं, या खाली हाथ लौटे हैं, शायद खाली हाथ लौटे। एक बार फिर मौके खिलाड़ी रामपुर के ग्राउंड पर बार बार टैकल करने में कंगारू कुछ दर्शकों द्वारा कंगारुओं का भी उनको उपासना दी जा रही है, क्या कंगारुओं की तरफ पॉइंट ला पाएंगे मऊ के खिलाड़ी या देखने में शायद नहीं, ऐसा नहीं कुछ कर पाए। और एक बार फिर रामपुर के खिलाड़ी मऊ के ग्राउंड पर रनअप करते हुए नजर बिठाए हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी, कहां पर किसको छुआ जाए, कहां पर किसको टैकल किया जाए, दोनों खिलाड़ी जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है और शायद पॉइंट किसी को नहीं। एक बार सिर्फ रनिंग चलता हुआ एक बार फिर मऊ के खिलाड़ी एक पॉइंट और रामपुर के खिलाड़ियों का स्कोर कितना है एक बार बताए। बहुत ही शानदार तरीके से
रामपुर के खिलाड़ी ने मोह के खिलाड़ी ने रामपुर के खिलाड़ियों को टच किया है और शायद 3 पॉइंट का इजाफा है, 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 3 पॉइंट का बहुत ही शानदार खेल चल रहा है। 3 पॉइंट से बराबर की स्थिति चल रही है। दोनों टीमें मजबूत है ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है। और बढ़ता हुआ स्कोर रामपुर का 4 पॉइंट और मऊ का 3। एक बार छोटे कद के खिलाड़ी मऊ के रामपुर के ग्राउंड पर रनअप करते हुए क्या और बहुत ही शानदार तरीके से क्या कर लिया, क्या शानदार बल्ले और बहुत ही काफी मजबूत सभी खिलाड़ी दिख रहे हैं और आगे क्या होता है देखते हैं। काफी नजर और एक गीत की तरह नाचते हुए ग्राउंड पर यह शायद सुपर टैकल यहाँ पे स्टार्ट है। सुपर टैकल क्या रामपुर के खिलाड़ी सुपर टैकल कर लेंगे उन्हें 2 पॉइंट का इजाफा होगा। ऐसा कर पाते हैं तो क्या मऊ या रामपुर के खिलाड़ी कितने कामयाब होते हैं देखने को आगे मिलेगा। एक बार और इस तरीके से रामपुर के खिलाड़ी ने रेफरी वाले शायद पहले ही आउट करने के लिए रामपुर के खिलाड़ी मऊ के ग्राउंड पर पतले हैं छोटे हैं लेकिन काफी अपने शरीर को नचाते हुए और क्या पॉइंट ला पाते हैं क्या रामपुर के खिलाड़ी। काफी मुस्लिम है दोनों टीमों के खिलाड़ी। मऊ का स्कोर 7 और रामपुर का 5 और बहुत ही शानदार निकल लगी। टैकल नहीं कर पाए और मऊ के खिलाड़ियों ने टैकल नहीं कर पाए और मऊ का स्कोर बढ़ता हुआ 6 पॉइंट। मऊ का बढ़ता हुआ स्कोर 6 पॉइंट। एक बार सुपर टैकल यहाँ पे स्टार्ट है। सुपर टैकल रामपुर के लिए क्या पकड़ पाते हैं नहीं और इस तरीके से पकड़ नहीं पाए और यहाँ पर पॉइंट लेते हुए रामपुर के खिलाड़ी और बढ़ता हुआ स्कोर 8 पॉइंट। मऊ का बढ़ता हुआ स्कोर 8 पॉइंट। एक बार ये लास्ट खिलाड़ी बचे हैं रामपुर के क्या आप लोग टैकल कर पाते हैं या नहीं देखने को आगे मिलेगा। बहुत ही नजर कराए हुए हैं दोनों और इस तरीके से अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 पॉइंट का इजाफा करते हुए और इस तरीके से बढ़ता हुआ रामपुर का स्कोर 9 पॉइंट। और एक बार फिर सुपर टैकल यहाँ पे स्टार्ट है। सुपर टैकल क्या खेलवाऊ रामपुर को मिलेगा नहीं तो आपको 1 पॉइंट से और इस तरीके से रामपुर के खिलाड़ी ने इसमें नाकामयाब रहा और इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 9 पॉइंट। दोनों टीमों का इस समय काफी रोमांचक मैच देखने को मिला। दोनों टीमें बराबरी पर चल रही है 9-9 पॉइंट के स्कोर पर। एक बार फिर रामपुर के खिलाड़ी मऊ के ग्राउंड पर रनअप करते हुए और क्या टच कर पाए क्या नहीं अभी नहीं और बहुत ही शानदार तरीके से क्या मैच देखने को मिल रहा है। इस छोटे खिलाड़ी ने बार बार अपने टीम के लिए पॉइंट बटोर रहा है रनिंग के लिए चलते हुए मऊ के। एक बार फिर सुपर टैकल यहाँ पर स्टार्ट है। बार बार सुपर टैकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है या रामपुर के खिलाड़ी सुपर टैकल कर पाते हैं या मऊ के खिलाड़ी को ऐसा भी तो नहीं हो पाया है लेकिन इस बार देखने को मिलता है ऐसा क्या हो पाएगा। और मेरी आवाज रामपुर के खिलाड़ी इसमें टैकल को अपने पॉइंट में बदलने का काम किया है और इनका बढ़ता हुआ स्कोर 10 और रामपुर का स्कोर 11।
एक बार फिर इस पतले से खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए बहुत सारे अंक बना रहे हैं। क्या इसमें रामपुर की टीम में थोड़ा सा जितने का विषय होगा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और इस बच्चे ने बहुत अपने टीम के लिए बहुत सारे अंक बना रहे हैं। एक बार फिर रनिंग करते हुए रामपुर के खिलाड़ी और फिर कामयाब है। मुझे बार बार मेरी आवाज शायद फंस रही है, ये देख कर की बार बार मुझे सुपर टैकल देखने को मिला है। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन सुबह और एक बार फिर अरे से खेल लेता लोग मर्दवा जाता लोग खेल लेता मैच देखने में अभी काफी क्षण लगेंगे, देखते हैं क्या हो पाता है। एक बार रामपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 13 और थोड़ा सा रेफरी महोदय थोड़ा सा साइड हो जाए, मुझे स्कोर नहीं दिख रहा है। 11 पॉइंट मौका है। बहुत ही शानदार अपने पैरों अपने हाथों को नचाते हुए अपने नजरों को गड़ाए हुए रामपुर के खिलाड़ी ने यह प्रदर्शित किया है कि मैं इस खेल के लिए इच्छुक हूँ और मैं बहुत ही पॉइंट ला सकता हूँ। रामपुर के खिलाड़ियों को यह सोचना होगा क्या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाहर से सिर्फ देख सकता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। और इस बार 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 नहीं हो पाता है। और एक बात देखने में भी युवा और बूढ़े जवानों को भी आगे बहुत बहुत देर के बाद संदीप को मैं देखा हूँ रनअप के लिए, शायद अपने टीम के लिए क्या इस बार कुछ कर पाएंगे। बहुत विलंब के बाद अपने टीम के लिए रनिंग करने के लिए आए हैं। एक बार फिर रामपुर क्या पॉइंट ला पाए या नहीं ये रेफर ही बता पाएंगे। दोनों टीमों का स्कोर बराबर चल रहा है, बिना स्कोर बनाए वापस पहुंचे। दोनों टीमें बराबर पर चल रही है, रोमांचक मैच चल रहा है, विधायक मैच चल रहा है। सभी दर्शक बंधु भी अपना दिल पर हाथ रखकर बैठे हैं, स्कोर क्या होगा किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही शानदार मैच देखने को मिल रहा है। और इस खिलाड़ी द्वारा मुझे बार बार देखा गया है कि रनिंग अपने टीम के लिए बार बार रनिंग की है, क्या उनके पास और रिफर नहीं है? यह शायद दर्शकों का भी प्रश्नवाचक चिन्ह ऊपर उठ रहा है। बहुत ही शानदार और इस तरीके इस तरीके तरफ से भी इस छोटे कद के खिलाड़ी है लीडला से 22-4 पॉइंट का जबरदस्त शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मैं अगले नोट लेकर राजूराव अरोड़ा का मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वो अपना मंच संभाले। राजूराव अरोड़ा रेफरी से कोई मिशन न करे। लीड लालो गांव का 14 पॉइंट है, रामपुर नरवा का 15 पॉइंट है। एक पॉइंट का अंतर देखना कि दोनों टीम कितना अच्छा खेल पेश करती है। यहाँ पर वो रीड कर रहे हैं, काफी अच्छा रीड करने में माहिर है। और देखना कि वो अपने टीम के लिए कितने पॉइंट कैसे लेकर जाते हैं। और मऊ की टीम और रीड कर रहे हैं वही लाइन अप के, और एक मिनट बचा है, एक मिनट का समय और बचा है। पीछे से खेल पीछे से रामपुर रामपुर के ग्राउंड में जाकर रीड कर रहे हैं। देखना कि कितने बंदर में हो यहाँ पर एक मिनट दो अढ़ाई है। और देखना कि लेवल हो चुका है, पॉइंट जो लेवल हो चुका है। और रामपुर रामपुर के जो खिलाड़ी है वो आगे कर रहे हैं, वहां पर देखना कितने पॉइंट लेकर जा रहे हैं। और काफी अच्छा है यहाँ पर। और वहां पर रामपुर और मऊ के बीच बहुत कड़ा मुकाबला हुआ, दोनों टीमें पॉइंट 15-15 पॉइंट पर इस समय आए। और देखना कि यह पॉइंट ले पाते हैं। और यहाँ पर नोर गुरमत मेरे बच्चा रामपुर 16 पॉइंट हो चुका है, 16 पॉइंट रामपुर 16 पॉइंट।
जवाब नहीं दे रहा ना।